अजनी पुलिस थाना अंतर्गत जमीन विवाद के चलते 72 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस द्वारा एक आरोपी की खोजबीन अभी भी जारी है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले में इजाफा होते दिखाई दे रहा है। इससे पिछले शहर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल मोड़े ने अजनी पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 2018 में फिरियादी ने फुलमरी लेआउट में एक प्लॉट खरीदा था। साथ ही फिरियादी के साथीदार नितिन शेंडे ने भी वहीं पर प्लॉट खरीदा था। हालांकि जब उन्होंने प्लॉट को NIT में रिवराइज करने के लिए दिया, तब उन्हें पता चला कि इस प्लॉट की सिविल कोर्ट में केस चल रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। फिरियादी है विशाल गिरीशराव मुड़े व 43 वर्ष राहणार महाराणा कॉलोनी अभयनगर। इन्होंने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया था। इन्होंने 2018 में फुलमती लेआउट यहाँ का प्लॉट नंबर 35 123.58 चौरस मीटर का इन्होंने खरीदा था। वैसे ही फिरियादी के साथीदार हैं नितिन शेंडे, इन्होंने वहीं का प्लॉट नंबर 36 खरीदा था। उन्होंने उस प्लॉट की रजिस्ट्री की है ओनर से। जब इन्होंने इसको NIT में रेगुलाइज के लिए दिया, तब वहाँ के गुने के एक आरोपी महिला आरोपी हैं, उन्होंने वहाँ पे अर्ज लगाया और वहाँ पे माहिती दी कि ये दोनों प्लॉट की ऑलरेडी सिविल कोर्ट में केस चालू है। तब फिरियादी को मालूम पड़ा कि इनको जो आरोपियों ने जो 2 प्लॉट बेचे हैं उसकी ऑलरेडी मालकी हक के संबंध में एक नागदेवे नाम के इस समय इनके साथ में सिविल कोर्ट में मालकी हकों को लेके केस शुरू है। ये सब बातें इन्होंने फिरियादी से छुपा कर, फिरियादी को अंधेरे में रखकर उनके साथ में दोनों प्लॉट का सौदा किया और उनको 32 लाख में ये दोनों प्लॉट को उन्होंने बिक्री की है। सर, इसमें कितने आरोपी थे? इसमें टोटल एकुण 4 आरोपी हैं। हर्षवर्धन ताराचंद वैद्य, उसका लड़का दिलीप लालजी पाटिल और दिलीप लालजी पाटिल उनका लड़का प्रीतिश दिलीप पाटिल और हर्षवर्धन ताराचंद वैद्य और एक महिला आरोपी है उसमें। ऐसे 4 आरोपी है। अभी हमने इसमें 3 आरोपी को अटक किए हैं और इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मामले में 4 आरोपी होने की जानकारी इस वक्त पुलिस ने दी, जिनमें 3 आरोपी गिरफ्तार होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस वक्त बताया कि इस मामले में 72 लाख की धोखाधड़ी हुई है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।